गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 के लिए सब्जेक्ट कंप्यूटर में चैप्टर 4 का पार्ट 2 वीडियो देखेंगे, जिसका टॉपिक है प्रोसेसिंग डिवाइस। और इस चैप्टर का प्रोसेसिंग डिवाइस का पार्ट 1 में हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्क ऑफ द प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस का क्या वर्क है, प्रोसेसिंग डिवाइस कैसे वर्क करता है और क्या इसका काम है। तो इसके बारे में हमने बताया था एक्सप्लेनेशन क्लास में कि प्रोसेसिंग डिवाइस का यूज करते हैं, ये प्रोसेसिंग डिवाइस सारा काम का जो प्रोसेस होता है यहीं पे होता है, और ये जो डिवाइस है सारे पार्ट्स को ये कंट्रोल करके रखता है कि किसको क्या करना है, कैसे वर्क करना है, ये सारा कुछ प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर आता है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, द प्रोसेसिंग डिवाइस डिवाइस कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। द प्रोसेसिंग डिवाइस कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। यह प्रोसेसिंग डिवाइस जो है ये कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स हैं जिसके द्वारा काम होता है उन सबों को यह कंट्रोल करता है कि कैसे क्या वर्क करना है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस का मेन रूप से ये काम है सारे डिवाइस को कंट्रोल करना और प्रॉपर उसको वर्क पे उसका कंट्रोल करना, प्रोसेसिंग डिवाइस का ही ये काम है। सेकंड क्वेश्चन है नेम द डिफरेंट यूनिट्स into which the CPU is divided. Name the different unit into which the CPU is divided. इसमें different unit में जो CPU को categorize किया गया था, divide किया गया था, उसके बारे में लिखना है। तो हम लोगों ने explanation class में पढ़ा था कि CPU को तीन भाग में categorize किया गया है, जिसमें पहला है control unit, second है memory unit और third था arithmetic and logic unit। तो इसको ऐसा लिखेंगे, CPU is divided into three units. First है memory unit जिसका short form होता है MU. Second है control unit जिसका short form CU. और थर्ड है अर्थमैटिक एंड लॉजिक यूनिट जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ALU। सीपीयू को तीन भाग में डिवाइड किया गया है, सबसे पहला है मेमोरी यूनिट जिसका शॉर्ट फॉर्म MU होता है, सेकंड है कंट्रोल यूनिट जिसका शॉर्ट फॉर्म CU होता है, थर्ड है अर्थमैटिक एंड लॉजिक यूनिट जिसका शॉर्ट फॉर्म ALU होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे, व्हाट आर पेरिफेरल्स। Thank you.
थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर पेरिफेरल्स, क्वेश्चन नंबर सी। P-E-R-I-P-H-E-R-I-F-S नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर पेरिफेरल्स। तो पेरिफेरल्स के बारे में हम लोगों ने जाना था, वैसा कंप्यूटर में जितने भी इनपुट डिवाइस हो, आउटपुट डिवाइस हो या स्टोरेज डिवाइस हो, जितने भी एक्सटर्नल डिवाइस जो कंप्यूटर से जुड़ा होता है, वैसे डिवाइस को हम लोग पेरिफेरल्स के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग ऑल द इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस आर कनेक्टेड कनेक्टेड टू द सीपीयू, दे आर कॉल्ड पेरिफेरल्स। All the input, output and storage devices are connected to the CPU. They are called peripherals. वैसे पार्ट all the input, जितने भी input devices हैं, output devices हैं और storage devices हैं, ये CPU से connect होता है और इसे हम लोग peripherals के नाम से जानते हैं। Next question note करेंगे, question number D. What is the work of memory unit? Memory unit का क्या work है? What is the work of memory units? Answer लिखेंगे। What is the work of memory unit? Memory unit का क्या work है? Answer लिखेंगे। Memory unit stores all the data and instructions which are entered using the input devices and it also stores the processed data और इंफॉर्मेशन। व्हाट इज द वर्क ऑफ मेमोरी यूनिट? मेमोरी यूनिट का क्या वर्क है? मेमोरी यूनिट स्टोर्स ऑल द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन व्हिच आर एंटर्ड यूजिंग द इनपुट डिवाइसेस एंड इट आल्सो स्टोर द प्रोसेस डाटा और इंफॉर्मेशन। मेमोरी यूनिट का वर्क है जो हम लोग इनपुट डिवाइस के द्वारा कोई भी कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं या इट आल्सो स्टोर जो डाटा प्रोसेस इनपुट डिवाइस के द्वारा जो डाटा हम लोग कंप्यूटर इन करते हैं उसको सेव करने का काम है और जो प्रोसेस डाटा होता है जो इनपुट डिवाइस के द्वारा दिया जाता है जो डाटा है और उसपे जो प्रोसेस होता है और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन हम लोग को प्राप्त होता है उसे भी ये स्टोर होता है मेमोरी यूनिट पे। तो मेमोरी यूनिट का मेन यूज ये है कि एक कंप्यूटर में जितने भी तरह का वर्क होता है उसको स्टोर करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर
is called the system unit. The CPU box is also sometimes called system unit. Which part of the computer is called the system unit? कंप्यूटर के किस पार्ट को हम लोग सिस्टम यूनिट के नाम से भी जानते हैं? द सीपीयू बॉक्स इज आल्सो समटाइम्स कॉल्ड सिस्टम यूनिट. सीपीयू बॉक्स को हम लोग कभी कभी सिस्टम यूनिट के नाम से भी जानते हैं. तो इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर में ये पांच क्वेश्चन हैं. इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गिव द फुल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग. फुल फॉर्म लिखना है, जिससे मैंने चैप्टर को एक्सप्लेनेशन टाइम में मैंने बताया था कुछ कुछ फुल फॉर्म थे, तो उसको अभी नोट करने वाले हैं. तो उसे नोट करेंगे एक एक करके. सबसे फर्स्ट है, पहले हेडिंग नोट करेंगे गिव द फुल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग. गिव द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट है सी यू, सेकेंड है ए एल यू, थर्ड है एम यू. सीयू का फुल फॉर्म मैंने बताया था. सीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट के द्वारा कंप्यूटर में जितने भी फंक्शन होते हैं उसे कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल करता है. एएलयू इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमैटिक एंड लॉजिक यूनिट. थर्ड है एमयू, इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट. यहाँ पे जितने भी डाटा होता है वो सेव होने का काम मेमोरी यूनिट में होता है. अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में जितने भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं या किसी तरह का लॉजिक टाइप का जो भी कुछ हम लोग कंप्यूटर पर वर्क करते हैं वहां पे ये प्रोसेस होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में. इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड नोट करेंगे. थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट द स्टेप टू यूज द कंप्यूटर. ये क्वेश्चन है कंप्लीट द स्टेप्स टू यूज द कंप्यूटर. फर्स्ट है यू गिव डॉट डॉट. सेकेंड है सीपीयू प्रोसेसेस डॉट डॉट प्रिंट्स आउटपुट ऑन पेपर. सबसे पहले यू गिव कंप्यूटर में हम लोग सबसे पहले क्या देते हैं कंप्यूटर में? तो सबसे पहले हम लोग इनपुट कर देते हैं कंप्यूटर में, किसी भी डाटा को इन करते हैं इनपुट. सीपीयू प्रोसेस्ड, सीपीयू क्या प्रोसेस करता है? डाटा को प्रोसेस करता है. डाटा या इनपुट, ये जो हम लोग इनपुट के द्वारा इनपुट देते हैं इनपुट डिवाइस के द्वारा उसी को ये सीपीयू क्या करता है?
इनपुट डिवाइस के द्वारा जो हम लोग डाटा कंप्यूटर में इन करते हैं उस डाटा को सीपीयू प्रोसेस करता है। उसके बाद प्रिंट्स आउटपुट ऑन पेपर, हम लोग क्या का यूज करते हैं पेपर पे प्रिंट लेने के लिए पेपर पे क्या का यूज करते हैं, तो इसका होगा प्रिंटर। प्रिंटर का यूज हम लोग करते हैं कंप्यूटर पे प्रिंट आउट लेने के लिए, प्रिंटर का यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर में डाटा को इन करते हैं और उसी डाटा को सीपीयू प्रोसेस करता है और उस डाटा को हम लोग प्रिंटर के द्वारा प्रिंट आउट ले सकते हैं पेपर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स नोट करेंगे। नंबर फोर, फर्स्ट है द सीपीयू इज प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू। सेकेंड है stands for the central processing unit। number c है works by using its different parts। नंबर डी है सीपीयू इज नन एज द ऑफ द कंप्यूटर। Fill in the blanks. First है the CPU is present inside the CPU. CPU is present inside the CPU. इसका CPU जो होता है किसके अंदर वो present होता है। CPU is present inside the CPU. CPU के किस में वो CPU present होता है, तो CPU box में ये CPU इसके अंदर होता है, ऊपर से इसका सीपीयू बॉक्स का रहता है कैबिनेट, उसके अंदर ये सीपीयू होता है। सेकंड है स्टैंड्स फॉर द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, किसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो हम लोग सीपीयू को नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। सी है वर्क्स बाय यूजिंग डिफरेंट पार्ट्स, वर्क्स बाई यूजिंग डिफरेंट पार्ट, कौन है जो डिफरेंट पार्ट का यूज करके यू वर्क करता है, इसका आंसर होगा कंप्यूटर। कंप्यूटर में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट लगे होते हैं जिसका यूज किया जाता है, तो कंप्यूटर वर्क्स बाय यूजिंग इट्स डिफरेंट पार्ट, कंप्यूटर जो है इसका डिफरेंट पार्ट का यूज किया जाता है। सीपीयू इज नॉन एज द, सीपीयू को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, और सीपीयू को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना था चैप्टर के एक्सप्लेनेशन टाइम कि सीपीयू को हम लोग एक और नाम से जानते हैं वो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये हमारे बॉडी में जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्रेन का वर्क होता है वही काम सीपीयू का कंप्यूटर में होता है, तो सीपीयू को हम लोग एक और नाम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने लेसन फाइव का चैप्टर नंबर फोर में एक्सरसाइज किया जिसमें क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स एंड फुल फॉर्म को हम लोगों ने जाना,
आप लोग इस क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं इसे आप एक फेयर कॉपी पे नोट्स करेंगे और इसे समझेंगे। ओके, थैंक यू।